दिवसीय प्रोग्राम हजरत मौलाली आशोस्ताना अय्या बौली मट्टीपेट रायचूर में फातिहा 18 अगस्त को होगी जबकि सवारी 19 अगस्त को और दफन 20 अगस्त को, लिहाजा जरूर तशरीफ लाइए इन तीन रोजा प्रोग्रामों में। नाज़रीन नाज़र एनडीए में आप तमाम का खैर मकदम है। वार्ड नंबर 11 की रुकने बल्दिया रत्ना प्रशांति की जानिब से रायचूर शहर के एचआरबी लेआउट में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे। आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है जिसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। चुनाचे इस खुशी में यहाँ की रुकने बल्दिया ने एचआरबी लेआउट में मुख्तलिफ खेल मुकाबला जात का इनेकाद किया, साथ ही साथ कई एक सकाफती प्रोग्राम भी यहाँ पर मुनक्किद किए गए। मिसाल के तौर पर वॉलीबॉल, म्यूजिकल चेयर और दीगर कई दिलचस्प मुकाबला जात यहाँ पर खिलाए गए, इनकी कुछ झलकियाँ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस मौके पर एचआरबी लेआउट के साकिनान और रायचूर के आवाम ने काफी होटल के डायरेक्टर जनाब केशव रेड्डी साहब से इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो रत्ना प्रशांति यहाँ के रुकने बल्दिया है, ये जो यहाँ पे स्पोर्ट्स आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, मैं आज आया हूँ वार्ड नंबर 11 के इहाते में, वार्ड नंबर 11 HRB लेआउट में, जो कि यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ पे थ्रो बॉल का मैच खिलाया जा रहा है, खवातीन का थ्रो बॉल मैच खिलाया जा रहा है। और इस मौके पर यहाँ की आवाम से, यहाँ के लोगों से कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, उन्हीं की ज़ुबान से सुनिए। मेरे सामने मौजूद है जनाब अख्तर हुसैन साहब। आप अख्तर हुसैन साहब, A1 TV में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये 15 अगस्त के मौके पे जो यहाँ के रुकने बल्दिया इन्होंने ये खेलों को तरजीह दी, हाँ जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है। सब घर के बाहर, सब घर से बाहर निकल के स्पोर्ट्स है, और कल है ना डांस वगैरह प्रोग्राम है, फिर मंडे के दिन है ना प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है जी। ये हमारे पूरे काउंसलर के तरफ से है, रत्न प्रशांति मैडम के तरफ से है, पूरे ये गेम्स ये करे स्पॉन्सर करे सो है उन लोग जी। कॉलोनी के लिए हमारे आज़ादी के जश्न में डांस का प्रोग्राम भी है जी, 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 जी। तो संडे के दिन यहाँ के जो काम है वार्ड नंबर 11 के, उन कामों से आप मुतमईन हैं? 100% मुतमईन है, हम हमारे काउंसलर से 100% साफ सफाई का है, सफाई के लिए, पानी का है, पानी का, सड़कों का मामला है, ये तमाम चीजें आपके पास हो रहे हैं? हाँ, हो रहे 100% हो रहे हैं, 99% हो रहे हैं। हमारे काउंसलर हमारे साथ हमेशा है, हर काम में है ना हमारे साथ है, और बच्चों के लिए भी है ना स्पोर्ट्स के लिए बहुत तवज्जो दे रहे हैं उन्होंने। और हमारे गार्डन में रायचूर में ये एक वाहिद गार्डन है, यहाँ पे है ना आपको जिम के पूरे सामान है जी, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको ऐसा गार्डन
मेरे सामने मौजूद है यहाँ के साकिन पृथ्वीराज, उन्हीं की जुबान से सुनेंगे कि इंडिपेंडेंस मौके पर ये जो थ्रो बॉल खिलाया जा रहा है इनका क्या कहना है, इनकी जुबानी सुनेंगे। हमारे मैडम की इतनी अच्छी बात है ये, हमारे काउंसलर मैडम की, बच्चे सभी आजकल मोबाइल में एडिक्ट हो रहे हैं, वो लोगों को छुड़ा के स्पोर्ट्स में उनको इंकरेजमेंट करने के लिए बहुत बड़ा काम है, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे वार्ड में तो मैडम का बहुत कितनी तारीफ़ करी होती, कमी है। और कुछ साफ़ सफाई के बारे में, पानी का मसला है, और इन मसलों पे आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारे पास मसले में सभी पहले, हम बोलने से पहले काम करते हैं मैडम। हमारे एचआरबी लेआउट के साकिनान से, खवातीन से भी बात करेंगे, ममता मैडम मेरे पास मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। मैडम, ये इंडिपेंडेंस मौके पर रत्ना प्रशांति यहाँ के काउंसलर है, वो स्पोर्ट्स को इतना तरजीह दे रहे हैं, खासतौर पर लेडीज़ के लिए, तो आप लेडीज़ होकर क्या बोलना चाह रहे हैं? वो हमारा को एक बाहर आने के लिए मौका दिए तुम खेलने के लिए लेडीज़ को, वो लेडीज़ खेलने के बाद फिट होता है ना, उसके लिए वो स्पोर्ट्स डाले है इधर हमारा वार्ड में। और यहाँ के जो एरिया में डेवलपमेंट्स है, डेवलपमेंट जैसे कि रोड है, पानी है, साफ सफाई है, लाइट्स है, इस बारे में मैडम काम कर रहे हैं क्या, आप उनसे सेटिस्फाई हैं? कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स है मैडम को, सब कर को दे रहे हैं लेडीज़ को, अच्छा रूल्स रेगुलेशंस। मैं वार्ड नंबर 11 के एचआरबी लेआउट के और भी खवातीन हैं, उनसे भी बात करूंगा मैं। मैडम, आपका एवन टीवी में वेलकम है। हाँ, थैंक यू। मेरे सामने मौजूद है झांसी रानी लक्ष्मीबाई के कप्तान, और यही जो है ना आज कामयाब हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि स्पोर्ट्स किस लिए ज़रूरी है। मैडम, ये जो आप स्पोर्ट्स खेले हैं, ये हमारे काउंसलर रत्ना प्रशांति, हाँ, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, रत्ना प्रशांति हमारी एरिया काउंसलर, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 15th of August के उत्सव पर। बहुत अच्छा लगा, पहली बार एचआरबी लेआउट में हुआ है ये कार्यक्रम, और उन्होंने लेडीज़ के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, फर्स्ट थ्रोबॉल था गेम जिसमें हम विन हुए हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू आर एरिया काउंसलर। नाजरीन, मेरे सामने मौजूद है पूर्णिमा इंटरनेशनल स्कूल और पूर्णिमा मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनाब केशव रेड्डी साहब से, उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो रत्ना प्रशांति यहाँ के रुकने बल्दिया हैं, वो जो यहाँ पे स्पोर्ट्स खिला रहे हैं थ्रो बॉल लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए, आप इस बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? इवत्तु रायचूरिनल्लि 75ನೇ स्वतंत्र दिनाचरणेय बग्गे ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಆರ್ಬಿ ಲೇಔಟಿನ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕೌನ್ಸಲರ್ ಆದ ರತ್ನಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೋನಿ ಅಂದರೆ 11ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾಲೋನಿ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀರಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ರತ್ನಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇಡಮ್ಗೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಥರ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಚ್ಚೆ ಜೊ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆ ತರಫ್ ಜ್ಯಾದಾ ಯೆ ಹೈ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆ ತರಫ್ ಕಮ್ ಹೈ, ಆಪ್ ಯೆ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹ್ ರಹೆ? ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರೆ. ಇಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮನೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ 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 ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲೂಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.